गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फाइव का यूनिट फर्स्ट का चैप्टर वंडरफुल वेस्ट रीड करेंगे। इस चैप्टर का नाम वंडरफुल भी है और वेस्ट भी है, ये आपको चैप्टर समझने के बाद समझ आएगा। तो ये वेस्ट कैसे यूजफुल हो सकता है, ये इस चैप्टर से हम सीखेंगे। वंस द महाराजा ऑफ त्रावणकोर ऑर्डर्ड ए ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। एक बार त्रावणकोर के जो महाराजा हैं उन्होंने अपने महल में एक शाही भोजन का आदेश दिया। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, दोपहर में और डिनर से पहले के टाइम में, द महाराजा एंटर्ड द किचन, महाराजा रसोई में आए टू सर्वे द डिशेज, निरीक्षण करने के लिए डिशेज का, दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फिस्ट, जो दावत के लिए, फिस्ट मीन्स दावत, दावत के लिए तैयार हो रही थी। वट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स, ही आस्क्ड द कुक, उन्होंने कुक से पूछा तुम इन सब्जियों के छिलके के साथ क्या करने जा रहे हो। पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स, इशारा करते हुए टोकरी की तरफ जो जिसमें छिलके थे, नियर द कुक, और जो कुक के पास थी, पड़ी थी। द कुक रिप्लाइड, कुक ने रिप्लाई किया, देवर वेस्ट, दे आर वेस्ट, वो तो वेस्ट है, वी विल थ्रो दैम अवे, हम उनको फेंक देंगे। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बाइट्स एंड पीसेज ऑफ वेजिटेबल्स, तुम इनको सबको वेस्ट नहीं कर सकते, वेजिटेबल्स के पीसेज को। फाइंड अ वे टू यूज दैम, इनको यूज़ करने का कोई तरीका निकालो। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली, कठोरता से उन्होंने ये आदेश दिया, एंड वॉकड अवे, और चले गए। द कुक वाज इन अ फिक्स, इन अ फिक्स का मीनिंग होता है ऐसी स्थिति जिससे बचना मुश्किल हो, तो अब वो ऐसी स्थिति में था जिससे बचना मुश्किल है। एंड कैप्ट स्टेरिंग, और स्टेरिंग घूरना, अब वह घूरता रहा। एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम्स, सब्जियों के छिलकों को घूरता है कुछ टाइम तक। सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, फ्लैश्ड अक्रॉस द माइंड का मीनिंग होता है अचानक सोचना, तो अचानक उसके माइंड में एक आइडिया आता है। ही टुक ऑल द वेजिटेबल्स बाइट्स, वॉश दैम एंड क्लीन दैम वेल, उसने सब वेजिटेबल के जो टुकड़े थे उनको लिया और अच्छे से धोया, साफ किया। देन ही कट दैम इन टू लॉन्ग स्ट्रिप्स, और उनको लंबी पट्टियों में काट लिया। ही पुट दैम इन अ ह्यूज पॉट, और एक बड़े पॉट में रख दिया। एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक, और आग के ऊपर पकने के लिए रख दिया। नेक्स्ट, और अब क्या करता है आगे, ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर, और वो फिर कोकोनट नारियल को और हरी मिर्चों को और लहसुन को एक साथ रखता है। ही एडेड दिस पेस्ट, उनका एक पेस्ट बनाकर ऐड करता है उनको। एंड सम साल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स, और कुछ नमक मिलाता है पकाने के लिए सब्जियों को। और टेम्प्टिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट, टेम्पटिंग मीन्स ललचाने वाली, एक बहुत अच्छी स्मेल उसमें से आने लगती है पॉट में से जब वो पकना शुरू होता है। नाउ ही व्हिप्ड सम कर्ड, अब वो कुछ दही निकालता है। एंड एडेड इट, और उसमें ऐड कर देता है टू द करी, जो करी बन रही है। ही आल्सो पॉर्ड ऑफ फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ कोकोनट ऑयल, और उसमें कुछ चम्मच कोकोनट ऑयल भी डाल देता है। एंड डेकोरेटेड द डिश विद करी लीव्स, और करी लीव्स के साथ उस डिश को डेकोरेट कर देता है। लो एंड बिहोल्ड, लो एंड बिहोल्ड का जो मीनिंग है ये होता है कि निकट होना और ध्यानपूर्वक देखना। अब वो उसके पास में रहकर ध्यानपूर्वक उसको देखता है। द डिश, द न्यू डिश वाज रेडी, ये नई डिश जो है रेडी थी। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट, गेस्ट को सर्व करता है ये नई डिश दैट इवनिंग, उस शाम को। एवरीवन वाज ईगर, ईगर मीन्स उत्सुक, अब सभी जो थे वो बहुत उत्सुक थे टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश, इस न्यू डिश का
नेम जानने के लिए सभी जो थे बहुत उत्सुक थे। द कुक थॉट एंड थॉट, कुक ने सोचा और सोचता रहा। देन अ नेम केम टू हिज माइंड, तभी उसके माइंड में एक नेम आया। टू हिज माइंड, उसके माइंड में एक नेम आया। ही नेम्ड इट अवियल, अवियल अवियल उसने इस डिश को नाम दिया। अवियल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला, और जो अब है ये अवियल नाम की जो डिश है केरला में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हम इस स्टोरी से अब हमें ये समझ में आया कि वेस्ट कैसे वंडरफुल हो सकता है, इसलिए इसका नाम लेसन का वंडरफुल वेस्ट था।